डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ एज अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था और ओम्स लॉ के एप्लीकेशन पढ़े थे कि ओम्स लॉ की हेल्प से किसी भी ब्रांच में किस प्रकार से करंट कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट अब अपना टॉपिक होगा किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि जब आपको किरचॉफ करंट लॉ के साथ साथ ओम्स लॉ भी आता होगा तब आप अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को नोडल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रूल्स, फर्स्ट इज ओम्स लॉ एंड सेकेंड इज KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, आज का अपना टॉपिक होने वाला है किरचॉफ करंट लॉ। तो पहला चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ की धारा का नियम होता है उसको अप्लाई कहां पर किया जाता है। तो पहला चीज आपको मालूम होना चाहिए किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ की धारा का नियम आप किसी भी प्रकार के नोड में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह सिंपल नोड हो चाहे वह प्रिंसिपल नोड हो। अगर आपको नोड दिखेगा तो उस नोड में आप KCL इक्वेशन या फिर किरचॉफ की धारा का नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं कि किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कहां पर किया जा सकता है या फिर कहां पर किया जाता है। तो आज का अपना टॉपिक है KCL, दैट इज KCL, इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं किरचॉफ्स की धारा का नियम, किरचॉफ की धारा का नियम, किरचॉफ की धारा का नियम। तो पहला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ की धारा का नियम लगाते कहां पर है। किरचॉफ की धारा का नियम किसी भी प्रकार के नोड में अप्लाई किया जा सकता है, किरचॉफ की धारा का नियम किसी भी प्रकार के नोड में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह सिंपल नोड हो चाहे वह प्रिंसिपल नोड हो। किरचॉफ की धारा का नियम, किरचॉफ की धारा का नियम किसी भी प्रकार के नोड में लगाया जा सकता है चाहे वह सिंपल नोड हो या फिर चाहे वह प्रिंसिपल नोड हो। तो अगर कैसा भी नोड हो, चाहे सिंपल नोड हो चाहे वो प्रिंसिपल नोड हो, किसी भी नोड में आप किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो किरचॉफ करंट लॉ होगा उसको अप्लाई करने के लिए आपको एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्यों हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं और साइन कन्वेंशन कैसे इक्वेशन में यूज किया जाता है, KCL इक्वेशन में साइन कन्वेंशन को कैसे यूज किया जाता है, यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला चीज आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या फिर किसी भी नोड पे
आपको हमेशा दो ही टाइप के करंट आपको मिलने वाले हैं, या तो करंट आपका नोड पे आने वाला होगा या फिर करंट नोड से जाने वाला होगा। तो मैंने स्टेटमेंट बोला कि किसी भी लेक्सिकल नेटवर्क या फिर किसी भी नोड पे दो ही टाइप के करंट आपको मिलने वाले हैं, या तो करंट नोड पे आने वाला होगा या फिर करंट नोड से जाने वाला होगा। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है तब तो उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को देख के आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा करंट नोड पे आने वाला होगा और कौन सा करंट नोड पे जाने वाला होगा। लेकिन अगर मेरे पास किसी भी नोड पे केसीएल इक्वेशन दी है तो उस केसीएल इक्वेशन में भी आपको बताना आना चाहिए कि इस केसीएल इक्वेशन में कौन सा करंट नोड पे आने वाला है और कौन सा करंट नोड पे जाने वाला है। तो केसीएल इक्वेशन को देख के भी, अगर आप केसीएल इक्वेशन में ये देख के भी बता पा रहे हैं कि कौन सा करंट नोड पे आने वाला है और कौन सा करंट नोड पे जाने वाला है, इस चीज को बताने के लिए आप साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। तो पहला चीज है कि साइन कन्वेंशन केसीएल इक्वेशन में इसलिए यूज किया जाता है कि केसीएल इक्वेशन को भी देख के आप बता पाए कि इस नोड पे कौन कौन सा करंट आने वाला है और कौन सा करंट जाने वाला है। तो केसीएल इक्वेशन में आपका साइन कन्वेंशन यूज करने का पर्पज है कि केसीएल इक्वेशन से भी आप बता पाएं कि कौन सा करंट नोड पे आने वाला है और कौन सा करंट नोड पे जाने वाला है। आने वाले करंट और जाने वाले करंट को अलग अलग बता पाने के लिए केसीएल इक्वेशन में साइन कन्वेंशन आप यूज करते हैं। अब साइन कन्वेंशन होता क्या है? क्योंकि किसी भी नोड पे दो ही टाइप का करंट है, अगर दो टाइप का करंट है तो दो साइन का यूज करके एक करंट को आप प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं और दूसरे करंट को माइनस साइन। अगर आप दो साइन का यूज करके करंट को लिखेंगे तो दोनों करंट आपके अलग अलग दिखने वाले हैं। अगर दो करंट अलग अलग साइन के साथ लिखे हैं मतलब दोनों करंट का नेचर कैसा है, अलग है। अगर कोई करंट आपका पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है तो उस करंट को आप बोल सकते हैं कि ये करंट नोड से जाने वाला होगा। वहीं अगर कोई करंट इक्वेशन में माइनस साइन के साथ लिखा है तो आप बोल सकते हैं कि ये करंट नोड से जाने वाला है। तो अगर आप अपने करंट्स को आप चिन्ह के साथ लिखें, एक किसी करंट को प्लस चिन्ह के साथ लिखें और किसी करंट को माइनस चिन्ह के साथ लिखें, तो आप इक्वेशन से भी देख के बता सकते हैं कि कौन सा करंट नोड पे आने वाला होगा और कौन सा करंट नोड पे जाने वाला होगा। तो इक्वेशन से करंट को डिस्टिंग्विश अलग अलग बता पाने के लिए हम जो है साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो जो चीज मैंने आपको बताया है उस चीज को यहां पर मैं आपको फिगर की हेल्प से भी समझाने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या फिर किसी भी नोड पे आपको हमेशा दो ही करंट मिलने वाले हैं। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है तो आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या फिर किसी भी नोड पे दो ही टाइप के करंट मिलेंगे, या तो करंट नोड पे आने वाला होगा या फिर करंट नोड से जाने वाला होगा। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है तब तो आप उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से देख के बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा करंट नोड पे आने वाला है और कौन सा करंट नोड पे जाने वाला है। तो इस चीज को समझाने के लिए यहां पर मैं एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लेने वाला हूं, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ले रहा हूं। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की इस ब्रांच में आपका R1 ओम का प्रतिरोध लगा है, इस ब्रांच में R2 ओम का प्रतिरोध लगा है, इस ब्रांच में आपके पास R3 ओम का प्रतिरोध लगा है, इस ब्रांच में आपके पास R4 ओम का प्रतिरोध लगा है, इस ब्रांच में आपके पास R5 ओम का प्रतिरोध लगा है और इस ब्रांच में R6 ओम का प्रतिरोध लगा है। और यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी है या फिर यहां पर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो यहां पर आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर आपके पास R1 ओम का रजिस्टर लगा है, यहां पर R2 ओम का रजिस्टर लगा है, यहां पर R3 ओम का रजिस्टर लगा है, यहां पर R4 ओम का रजिस्टर लगा है, यहां पर R5 ओम का रजिस्टर लगा है और यहां पर R6 ओम का रजिस्टर लगा है। आप देखेंगे ये सर्किट क्लोज है, अगर सर्किट क्लोज है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। मैं मान लेता हूं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है। ये करंट, ये जो आई करंट है, ये इस नोड में पहुंचेगा और इस नोड में पहुंचने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेता हूं कि इस
R2 ओम के रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है? I1 करंट पास कर रहा है। आप देखें जो I करंट है वो इस नोड में पहुंचने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड होगा, और मान लिया कि R2 ओम के रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है? I1 करंट पास कर रहा है, और R4 ओम के रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है? I2 करंट पास कर रहा है। तो आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के किसी भी नोड पे दो ही टाइप के करंट आपको मिलने वाले हैं, केवल दो ही टाइप के करंट मिलेंगे। या तो करंट नोड पे आने वाला होगा, या फिर या तो करंट नोड पे आने वाला होगा या फिर करंट नोड से जाने वाला है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या फिर किसी भी नोड पे दो ही टाइप के करंट मिलेंगे, या तो करंट नोड पे आएगा या फिर करंट नोड पे जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है तो उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में देख के बता सकते हैं जो आई करंट है वो नोड पे आने वाला है, और आपका I1 और I2 ये दो करंट आपके नोड से जाने वाले हैं। तो ये करंट कैसा है बेटा? I1 करंट नोड पे आने वाला है, इनकमिंग करंट टू द नोड, दिस इज द इनकमिंग करंट टू द नोड। और ये जो I1 और I2 है ये दोनों करंट कैसे बेटा? Outgoing current to the node, that is outgoing current to the node, ये current node से जाने वाले हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को देख के आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा करंट नोड पे आने वाला है, कौन सा करंट नोड पे जाने वाला है। लेकिन अगर किसी भी नोड पे अगर आपके पास एक KCL इक्वेशन दी है, उस KCL इक्वेशन में भी आपको बताना होगा कि कौन कौन सा करंट नोड पे आने वाला है या फिर कौन कौन सा करंट नोड पे जाने वाला है। इस चीज के अंतर को बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं? साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अब आपके पास दो ही टाइप के करंट हो सकते हैं, तो आप दो साइन का यूज करके इन करंट को अलग अलग शो कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस नोड पे KCL इक्वेशन लिखूंगा तो आप देखेंगे दो टाइप के करंट है, तो किसी भी करंट को आप प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं, किसी भी करंट को माइनस साइन। तो मान लीजिए यहां पर जो है मैं जाने वाले करंट को कैसा लिख रहा हूं बेटा? प्लस साइन के साथ। तो आने वाले करंट को माइनस साइन के साथ लिख देता हूं। तो जब मैं KCL इक्वेशन लिखूंगा, अभी KCL इक्वेशन क्या होती है नहीं बता रहा मैं आपको, ये KCL इक्वेशन लिख के देखकर बता देता हूं। इस नोड में जब मैं KCL इक्वेशन लिखूंगा तो KCL इक्वेशन आएगी प्लस I1 प्लस I2 माइनस I दैट इज इक्वल टू 0। ये KCL इक्वेशन आएगी। इस KCL इक्वेशन में आप देखेंगे I1 और I2 को मैंने प्लस साइन के साथ लिखा है, मतलब इनका नेचर कैसा होगा? सेम होने वाला है। और I करंट को मैंने माइनस साइन के अलग साइन के साथ लिखा, तो इसका नेचर कैसा होगा? अलग होगा। तो आप देखेंगे इन दोनों करंट, आप देखेंगे इन तीन करंट में इन दोनों करंट का नेचर कैसा है? सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम साइन के साथ लिखे। तो I1 और I2 का नेचर कैसा है? सेम होने वाला है। और I करंट का नेचर कैसा होने वाला है? अलग होने वाला है, क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है। तो ये दोनों करंट आपके नोड से जाने वाले हो सकते हैं, और इस करंट का नेचर या फिर साइन कैसा है? अलग है। तो ये करंट नोड पे आने वाला हो सकता है। तो अगर इन दोनों का नेचर सेम है, इनको मैं मान लेता हूं कि ये करंट नोड पे आने वाले हैं, तो ये करंट नोड पे जाने वाला होगा, या फिर ये दोनों करंट अगर नोड से जाने वाले होंगे तो ये करंट नोड पे आने वाला होगा। तो साइन कन्वेंशन चिन्ह का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? अपने करंट के नेचर को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा करंट नोड पे आने वाला है और कौन सा करंट नोड पे जाने वाला है। चूंकि I1 और I2 को मैंने सेम साइन के साथ लिखा है, तो इन दोनों करंट का सर्किट में नेचर कैसा है? सेम। या तो ये करंट जो है अगर नोड पे जाने वाले होंगे तो ये वाला करंट नोड पे आने वाला होगा, या फिर ये वाले करंट अगर नोड पे आने वाले होंगे तो ये करंट नोड पे जाने वाला होगा। तो साइन कन्वेंशन का यूज करके आप इक्वेशन से भी बता सकते हैं कि किन किन करंट का नेचर सेम होने वाला है, कौन कौन से करंट नोड से जाने वाले हैं और कौन कौन से करंट नोड पे आने वाले हैं। इस चीज को इक्वेशन से भी समझा जा सके, इसलिए KCL इक्वेशन को लिखते समय हमेशा क्या यूज करते हैं? साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है,
और साइन कन्वेंशन को हम कैसे यूज करते हैं। पहला चीज आप देखेंगे साइन कन्वेंशन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जब मैं केसीएल इक्वेशन किसी भी नोड पे जब मैं केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा तो उस नोड पे कौन कौन सा करंट नोड से जाने वाला है और कौन कौन सा करंट नोड पे आने वाला है, इस चीज को इक्वेशन से भी समझा जा सके, इसलिए आप क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। केसीएल इक्वेशन लिखते समय आप साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, इसको समझने वाले हैं। तो केसीएल इक्वेशन लिखते समय आपको हमेशा साइन कन्वेंशन को यूज करना है। अब साइन कन्वेंशन लिखते कैसे हैं या फिर साइन कन्वेंशन क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास साइन कन्वेंशन, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। तो आप देखेंगे किसी भी लेक्सिकल नेटवर्क में फिर किसी भी नोड पे दो टाइप के करंट हो सकते हैं। अगर दो टाइप के करंट है तो दो साइन का मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। दोनों करंट को अलग अलग करने के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट साइन या फिर चिन्ह आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसी भी करंट को आप पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिख सकते हैं और किसी भी करंट को निगेटिव चिन्ह के साथ लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन बताने वाला हूं, मतलब मोस्ट ऑफ द बुक उसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करती है जिस साइन कन्वेंशन को यहां पर मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। तो आपको इसी साइन कन्वेंशन को यूज करना है क्योंकि यही साइन कन्वेंशन थोड़ा सा सिंपल साइन कन्वेंशन है, इसलिए आप इसको जब आप जो है इस साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे तो बुक से भी आपके आंसर क्या करेंगे, मैच करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं कि आपके पास किसी भी नोड पे दो ही टाइप के करंट आपको मिलने वाले हैं, किसी भी नोड पे दो ही टाइप के करंट मिलने वाले हैं, या तो करंट नोड पे आएगा या फिर करंट नोड से जाएगा। तो इन दोनों करंट को इक्वेशन में अलग अलग दिखाने की, ये दोनों को आप अलग अलग साइन के साथ लिखने वाले हैं। मैं क्या करता हूं कि अगर करंट नोड पे आएगा तो उसको मैं हमेशा किस चिन्ह के साथ लिखूंगा, निगेटिव साइन के साथ लिखने वाला हूं। अगर करंट मेरा नोड पे आने वाला है तो उसको मैं हमेशा किस चिन्ह के साथ लिखूंगा, माइनस साइन के साथ लिखने वाला हूं। लेकिन अगर करंट मेरा नोड से जाएगा तो इस करंट को आप हमेशा किस चिन्ह के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखने वाले। तो साइन कन्वेंशन जो मैं यूज करने वाला हूं वो साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर करंट मेरा नोड पे आ रहा होगा तो मैं उस करंट को नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, और अगर करंट मेरा नोड से जा रहा होगा तो उसको मैं हमेशा किस साइन के साथ लिखूंगा, पॉजिटिव साइन के साथ लिखने वाला हूं, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट इसका उल्टा भी साइन कन्वेंशन लगा सकता है तो भी उसका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट करता है कि अगर नोड करंट पे आ रहा है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेगा, तो अगर करंट नोड से जाएगा तो उसको माइनस साइन के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन कोई रूल नहीं होता, रूल मींस होता है फिक्स, जो आपको बता दिया आपको वही लगाना है। साइन कन्वेंशन कोई रूल नहीं है, इसलिए आप इसका उल्टा भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये जो साइन कन्वेंशन मैंने लिया है ये मोस्ट ऑफ द या फिर स्टैंडर्ड बुक में यही साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं, इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। मैं हमेशा पूरे ही नेटवर्क में या फिर कोई भी सब्जेक्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अगर करंट मेरा नोड पे आने वाला होगा तो मैं उस करंट को हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लिखूंगा, और अगर करंट नोड में अगर मेरा करंट नोड से जाने वाला है तो उसको मैं हमेशा किस चिन्ह के साथ लिखने वाला हूं, प्लस चिन्ह के साथ लिखने वाला हूं, पॉजिटिव साइन के साथ लिखने वाला हूं, ठीक है। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन। अब आपको मैंने साइन कन्वेंशन भी बता दिया है, अब मैं किरचॉफ करंट लॉ को बता सकता हूं, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ की धारा के नियम का कथन। किरचॉफ ने बोला, किरचॉफ ने अपने किरचॉफ करंट लॉ में बोला कि किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य के बराबर। बीजगणित मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए अगर किसी नोड पे सभी धाराओं का मैं योग कर दूंगा तो योग हमेशा किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ KCL या फिर किरचॉफ करंट लॉ।
किरचॉफ ने बोला किसी भी नोड पर ठीक है, किसी भी नोड पर मतलब चाहे वो सिंपल नोड हो चाहे वो प्रिंसिपल नोड हो कैसा भी नोड हो, किसी भी नोड पर सभी धाराओं का बीजगणित योग, सभी धाराओं का बीज गणितीय योग, बीजगणित योग शून्य के बराबर होता है। अब बीजगणित का मतलब क्या है, मतलब किसी भी नोड पे जितनी भी धाराएं होंगी अगर मैं सभी धाराओं का योग कर दूं, योग कैसा योग, बीजगणित योग, बीजगणित योग मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए जब मैं सभी धाराओं का योग कर दूंगा वो योग हमेशा किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो बीजगणित से कहने का मतलब है चिन्ह के साथ लिखते हुए, किसी भी नोड पे चिन्ह के साथ लिखते हुए अगर मैं सभी धाराओं का योग कर दूंगा वो शून्य के बराबर होगा। बीजगणित का मतलब है चिन्ह के साथ लिखते हुए अगर आप सभी धाराओं का योग करेंगे, चिन्ह के साथ मतलब आप देखेंगे दो ही टाइप के करंट होंगे। अगर करंट मेरा नोड पे आ रहा होगा तो मैं उसको किस चिन्ह के साथ लिखूंगा, नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा। लेकिन अगर करंट मेरा नोड से जा रहा होगा, अगर मेरा करंट नोड से जा रहा होगा तो मैं उसको किसके साथ लिखूंगा, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखने वाला हूं। तो अगर मेरा करंट नोड पे आने वाला है तो मैं उसको माइनस चिन्ह के साथ लिखूंगा, अगर करंट मेरा नोड से जा रहा होगा तो प्लस चिन्ह के साथ। चिन्ह के साथ लिखते हुए जब मैं सभी धाराओं का क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा किसी भी नोड पे, वो योग हमेशा किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो सेम केसीएल का जो स्टेटमेंट है उसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा। बीजगणित का मतलब होता है एलजेब्रिक एडिशन। तो स्टेटमेंट है इंग्लिश में एलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द करंट एट ए नोड becomes equal to zero। Algebraic addition of all the currents at a node. Algebraic addition of all the current at a node. At a node becomes equal to zero. किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य के बराबर। तो KCL इक्वेशन के स्टेटमेंट को फिगर की हेल्प से समझाने के लिए मैं यहां पर एक नोड लेने वाला हूं। अब वो कैसा भी नोड हो सकता है, किसी भी प्रकार का नोड हो सकता है, वो सिंपल नोड भी हो सकता है और प्रिंसिपल नोड हो सकता है। तो आपको बताने के लिए यहां पर मैं एक KCL इक्वेशन को समझाने के लिए किसी भी नोड पे KCL इक्वेशन कैसे लिखते हैं यहां पर मैं एक प्रिंसिपल नोड कंसीडर करने वाला हूं, ठीक है। तो आई कैन बी कंसीडर ए प्रिंसिपल नोड। और प्रिंसिपल नोड क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल नोड वो नोड होता है जिसमें दो से ज्यादा ब्रांच क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। तो प्रिंसिपल नोड में आपको पहले ही बता चुका हूं एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा ब्रांच क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं या फिर दो से ज्यादा ब्रांच जुड़ी होती हैं। जिस पॉइंट पे दो से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होंगी उस पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। तो KCL इक्वेशन को समझाने के लिए यहां पर मैं एक प्रिंसिपल नोड कंसीडर कर रहा हूं। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए प्रिंसिपल नोड और इस प्रिंसिपल नोड में 6 ब्रांच कनेक्ट है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए ब्रांच, इस ब्रांच में R1 ओम का
प्रतिरोध लगा हुआ है। पहली ब्रांच में R1 ओम का प्रतिरोध लगा है और इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रहा है। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 करंट फ्लो कर रहा है जो कि नोड पे आ रहा है। तो मैंने इस नोड पे एक ब्रांच कनेक्ट है, उस ब्रांच में R1 ओम का प्रतिरोध कनेक्ट है और इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रहा है जो कि नोड पे आ रहा है। इस नोड पे दूसरी ब्रांच कनेक्ट है जिसमें R2 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है, जिसमें R2 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है और इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है जो कि नोड से जा रहा है। इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है जो कि नोड से जा रहा है। इस नोड में एक तीसरी ब्रांच कनेक्ट है, उस तीसरी ब्रांच में R3 ओम का प्रतिरोध कनेक्ट है। कितने ओम का प्रतिरोध कनेक्ट है बेटा? R3 ओम का प्रतिरोध कनेक्ट है और इस ब्रांच में I3 करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट नोड पे आ रहा है। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I3 करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट नोड पे आ रहा है। इस नोड में एक चौथी ब्रांच कनेक्ट है बेटा और इस ब्रांच में R4 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है। इस ब्रांच में R4 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है और इस ब्रांच में I4 करंट फ्लो कर रहा है जो करंट नोड से जा रहा है। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? I4 करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट नोड से जा रहा है। इस नोड में एक पांचवी ब्रांच भी कनेक्ट है और इस पांचवी ब्रांच में कितने ओम का रजिस्टर कनेक्ट है बेटा? R5 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है और इस ब्रांच में I5 करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट नोड पे आ रहा है। इस ब्रांच, इस नोड पे छठवीं ब्रांच कनेक्ट है और इस ब्रांच में R6 का ओम लगा हुआ है, R6 ओम का रजिस्टर लगा है। आपके पास एक छठवीं ब्रांच है और इस ब्रांच में R6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और इस ब्रांच में I6 करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट नोड से जा रहा है। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I6 करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट नोड से जा रहा है। तो आप देखेंगे आपके पास KCL इक्वेशन को समझाने के लिए कि किसी भी नोड पे KCL इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उस KCL इक्वेशन को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रिंसिपल नोड कंसीडर किया है और इस प्रिंसिपल नोड में कितनी ब्रांच कनेक्ट है? 6 ब्रांच कनेक्ट है। आप देखेंगे इस नोड में 6 ब्रांच मतलब कितना करंट? 6 करंट, क्योंकि हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? एक ही करंट फ्लो करेगा। तो आप देखेंगे अगर मेरे पास नोड है, अब मेरे पास कोई सा भी नोड है, हर एक नोड में मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ? KCL इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक प्रिंसिपल नोड है, इस प्रिंसिपल नोड में भी आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? KCL इक्वेशन। KCL क्या बोलता है? किसी भी नोड पे सभी धाराओं का, किसी भी नोड पे सभी धाराओं का। इस नोड में कितनी ब्रांच है? 6 ब्रांच, मतलब 6 करंट है। मतलब किसी भी नोड पे सभी धाराओं का, मतलब इन 6 करंट का जब मैं योग कर दूंगा, कैसा योग? बीजगणितीय योग कर दूंगा। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए जब मैं सभी धाराओं का क्या कर दूंगा? योग कर दूंगा। वो योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो आपके किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि किसी भी नोड पे सभी धाराओं का जब बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए जब सभी धाराओं का आप योग कर देंगे, वो योग हमेशा 0 के बराबर होगा। तो इस प्रिंसिपल नोड में मैं KCL इक्वेशन लिखने वाला हूँ। KCL बोलता है किसी भी नोड पे, इस नोड में अगर मैं KCL इक्वेशन, इस नोड में 6 ब्रांच मतलब इन 6 करंट का जब मैं योग करूंगा, योग कैसा? बीजगणितीय। बीजगणितीय का मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए जब मैं इन सभी धाराओं का योग कर दूंगा, योग कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। अच्छे बताओ चिन्ह के साथ कैसे लिखेंगे? अगर करंट नोड पे आने वाला है तो उसको किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? माइनस चिन्ह के साथ। अगर करंट नोड से जा रहा है तो उसको किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? प्लस चिन्ह के साथ। अगर करंट नोड पे आने वाला है माइनस चिन्ह के साथ, अगर करंट नोड से जाने वाला है तो प्लस चिन्ह के साथ। तो चलो मैं KCL इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। तो इस नोड में कितनी ब्रांच बेटा? 6 ब्रांच है, मतलब कितने करंट है? 6 करंट। अगर मैं इन 6 करंट का बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के साथ योग कर दूंगा तो 0 के बराबर होता है। इन 6 करंट का मैं योग करने वाला हूं, ठीक है? तो मेरे पास इस नोड में 6 ब्रांच है, मतलब 6 करंट I1। अगर मैं इन 6 करंट का योग कर दूं, लेकिन कैसा योग करना है? बीजगणितीय मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए जब मैं इन सभी करंट का योग कर दूंगा तो योग हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर।
नाउ दैट इज आई सिक्स इक्वल टू जीरो. क्या ये योग शून्य के बराबर होगा? यहां पर आप देखेंगे आपने इस नोड में छह ब्रांच थी, मतलब छह करंट थे, छहों करंट का योग किया है. पहली ब्रांच में आई वन करंट, दूसरी ब्रांच में आई टू करंट, तीसरी ब्रांच में आई थ्री, आई फोर, आई फाइव एंड आई सिक्स. यहां पर आपने इस नोड में छह ब्रांच थी, छहों करंट का योग किया है. लेकिन कैसा योग किया है? नॉर्मल योग किया. क्या चिन्ह के साथ लिखते हुए योग किया? बिल्कुल चिन्ह के साथ लिखते हुए योग नहीं किया. केसीएल बोलता है कि किसी भी नोड पे जितनी भी ब्रांच होंगी या फिर जितने भी करंट होंगे, अगर मैं सभी करंट का कैसा योग कर दूं, बीज गर की मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए जब मैं योग करूंगा, वो योग कितने के बराबर होगा? शून्य के बराबर. तो यहां पर मैंने बिना चिन्ह के साथ, मतलब ये आपका एल्जेब्रिक एडिशन नहीं है, ये कैसा है? नॉर्मल एडिशन. किसी भी नोड पे सभी करंट का नॉर्मल एडिशन जीरो के बराबर नहीं होता, तो ये योग जीरो के बराबर नहीं होगा. तो ये अभी केसीएल इक्वेशन नहीं लिखा है. केसीएल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी नोड पे सभी धाराओं का कैसा योग? बीज गणित मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए जब मैं इन छहों करंट का योग कर दूंगा, तो योग कितने के बराबर होगा? शून्य के बराबर. तो चिन्ह के साथ लिख रहा हूं बेटा, जो I1 करंट है ये करंट नोड पे आ रहा है. अगर करंट नोड पे आ रहा है तो किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे. I2 करंट नोड से जा रहा है, अगर करंट नोड से जा रहा है तो किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? प्लस चिन्ह के साथ. I3 करंट नोड पे आ रहा है तो किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? माइनस चिन्ह के साथ. I4 करंट नोड से जा रहा है तो किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? प्लस चिन्ह के साथ. I5 करंट नोड पे आ रहा है, किस चिन्ह के साथ? माइनस चिन्ह के साथ. और I6 करंट नोड से जा रहा है, किस चिन्ह के साथ? प्लस चिन्ह के साथ. तो मैंने क्या किया है, इस नोड में छह ब्रांच मतलब छह करंट, सारे करंट का मैंने कैसा योग किया? बीज गणित मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए, चिन्ह के साथ लिखते हुए सभी करंट का अगर मैं योग कर दूंगा, ये योग कितने के बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा. तो दिस इज द केसीएल इक्वेशन. तो किसी भी नोड पे सभी धाराओं का, इस नोड में छह ब्रांच मतलब छयो करंट का जब मैं योग करूंगा, कैसा योग? बीज गति मतलब चिन्ह के साथ सभी करंट को. I1 करंट नोड पे आने वाला था तो माइनस चिन्ह के साथ, I2 करंट नोड से जाने वाला है तो प्लस चिन्ह के साथ, I3 करंट नोड पे आ रहा है माइनस, I4 करंट नोड से जा रहा है तो प्लस, I5 करंट नोड पे आने वाला है माइनस, और I6 करंट नोड से जाने वाला. चिन्ह के साथ लिखते हुए जब सभी धाराओं का आप योग कर देंगे, चिन्ह के साथ लिखते हुए अगर योग करूंगा तो कैसा एडिशन है? एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द करंट एट नोड बिकम्स इक्वल टू जीरो. तो ये एडिशन आपका किसके साथ, किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा. अब आप देखेंगे कि आपने केसीएल इक्वेशन लिख दी, केसीएल ने बोला कि किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य के बराबर. इसी इक्वेशन को आप थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आप देखेंगे आपने क्या किया, साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं इक्वेशन में, ठीक है. इस इक्वेशन को आप अपनी केसीएल इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है. सेम इक्वेशन को आप दूसरे मैनर में लिख सकते हैं, जितने भी करंट माइनस साइन के साथ है सबको राइट साइड पे ले जाइए. तो आपका सेम इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती है. केसीएल इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, दैट इज जितने भी माइनस साइन वाले करंट है सबको राइट हैंड साइड मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टू प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स. नाउ दिस इज द केसीएल इक्वेशन, दिस इज द केसीएल इक्वेशन. सेम इक्वेशन को आपने इस तरीके से लिख दिया. जब इस तरीके से लिखा है तो क्या लिखा है बेटा? I1 वन प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव, दैट समेशन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स. जरा देख रहे, आई वन कौन सा करंट है? आई वन करंट क्या है? नोड पे आने वाला है. I3 करंट नोड पे आने वाला है और I5 करंट नोड पे आने वाला है. तो ये क्या लिखा है बेटा? इस नोड पे I1, I3, I5 क्या है? आने वाली धाराओं का योग. तो ये क्या लिखा है? इस नोड पे आने वाली धाराओं का योग बराबर है I2. I2 कैसा है? नोड से जाने वाला. I4 कैसा है? नोड से जाने वाला. और I6 करंट कैसा है बेटा? नोड से जाने वाला. तो ये क्या लिखा है? I2, I4 प्लस I6. ये कैसे करंट लिखे? नोड से जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले. तो आप KCL इक्वेशन को एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग
बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का नॉर्मल एडिशन जाने वाली धाराओं के नॉर्मल एडिशन के बराबर होता है। आप देखेंगे इस इक्वेशन को मैंने यहां से लिखा है, तो ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी जिसमें मैं साइन कन्वेंशन लगा चुका। साइन कन्वेंशन लगाने के बाद सेम इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपकी केसीएल इक्वेशन क्या बोलती है कि किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग हमेशा किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो आप देखेंगे कि या तो आप केसीएल इक्वेशन का ये रूप भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, बात क्या है सेम है, क्योंकि इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन लिखी है। और आप देखेंगे जब आपने इस इक्वेशन को लिखा है तो ये इक्वेशन कहां से आई है, यहां से आई है। साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद इस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को आपने इस फॉर्मेट में लिखा है, और इस फॉर्मेट लिखने के बाद आप बोल सकते हैं कि किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का नॉर्मल एडिशन किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के नॉर्मल एडिशन के बराबर होता है। तो केसीएल इक्वेशन अगर आप किसी नोड में लगाना चाहते हैं तो आने वाली धाराओं का नॉर्मल एडिशन बराबर होता है जाने वाली धाराओं के नॉर्मल एडिशन। तो आप देखेंगे केसीएल इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक एडिशन भी कर सकते हैं। जब आप करेंगे किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग वो हमेशा किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। जब आप बीजगणित योग करेंगे, बीजगणित मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए जब सभी धाराओं का योग करेंगे तो योग हमेशा शून्य के बराबर होगा। वहां से आपने एक और रिजल्ट निकाला, उसी इक्वेशन से रिजल्ट निकाला कि किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का नॉर्मल एडिशन, किसी भी नोड में आने वाली धाराओं के नॉर्मल एडिशन को हमेशा किसके बराबर कर सकते हैं, जाने वाली धाराओं के नॉर्मल एडिशन के। तो अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को लगाना चाहूं तो दोनों इक्वेशन सेम है, चाहे आप इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, बात क्या है सेम है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लगाना चाहूं तो किसी भी नोड पे केवल आपको आने वाली धाराओं को देखना, आने वाली धाराओं का नॉर्मल एडिशन, आने वाली धाराओं का केवल नॉर्मल एडिशन किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के नॉर्मल एडिशन। केवल आपको देखना है इस नोड में जाने वाली धारा कितनी, I2 I4 और I6, जाने वाली धाराओं का आप नॉर्मल एडिशन कर देंगे। तो सेम इक्वेशन है कि आप जो है दो टाइप से केसीएल इक्वेशन को लिख सकते हैं। पहला केसीएल फॉर्मेट इक्वेशन है, या फिर पहली डिफिनीशन जो आपकी ओरिजिनल डिफिनीशन है, किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। जब आप जो है बीजगणित योग शून्य के बराबर करेंगे तब आपको साइन कन्वेंशन हमेशा लगाना है। या फिर आप लिख सकते हैं किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। जब आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है तब आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। आप क्या करेंगे, नोड पे जितने भी आने वाली धाराएं होंगी उनके नॉर्मल एडिशन को डायरेक्टली बराबर कर देंगे, जाने वाली धाराओं के नॉर्मल एडिशन के बराबर कर देंगे। तो यहां से मैं लिख भी सकता हूं किसी भी नोड पर आने वाली सभी धाराओं का योग, किसी भी नोड पर आने वाली सभी धाराओं का, सभी धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है। यहां पर आप देखेंगे मैंने नॉर्मल एडिशन लिखी, यहां कहीं बीजगणित वर्ड यूज नहीं किया, बीजगणित मतलब साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, क्योंकि ये इक्वेशन जब मैंने लिखी थी तो ये इक्वेशन कहां से है, यहां से। यहां पर मैं साइन कन्वेंशन यूज कर चुका हूं, यूज करने के बाद ये इक्वेशन लिख रहा हूं, तो दोबारा साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। साइन कन्वेंशन इस इक्वेशन को लिखने से पहले ये इक्वेशन कहां से आई, यहां से। साइन कन्वेंशन आप पहले यूज कर चुके हैं, तो जब आप लिखेंगे किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग हमेशा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, तो केसीएल इक्वेशन में दो बार साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। तो आपको जब लिखेंगे किसी भी नोड पे आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है, तो जाने वाली धाराओं के नॉर्मल एडिशन को हमेशा बराबर करना है आने वाली धाराओं के नॉर्मल एडिशन। तो किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है, आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है, जाने वाली सभी धाराओं के योग के।
ठीक है। तो किसी भी नोड पर आने वाली सभी धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली सभी धाराओं के योग के, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं sum of all the incoming current at a node is always equal to sum of all the outgoing current at a node, ठीक है। Sum of all the incoming currents at a node is equal to sum of all the outgoing current at a node। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब मैं किसी भी नोड पे KCL इक्वेशन बनाऊंगा, तो एक नोड में एक ही KCL इक्वेशन आएगी, और एक इक्वेशन से कितना अननोन सॉल्व कर सकते हैं, एक ही अननोन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे KCL इक्वेशन में हमेशा क्या यूज होता है, करंट यूज होता है। तो KCL इक्वेशन से मैं केवल और केवल क्या निकाल सकता हूं, करंट निकाल सकता हूं। तो कभी भी आपको अगर किसी ब्रांच में करंट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच के करंट को निकालने के लिए आप KCL इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और जब मैं किसी भी नोड पे KCL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो एक ही इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से एक ही ब्रांच का करंट या फिर एक ही अननोन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। तो आप देखेंगे किसी भी नोड पे, जैसे मान लीजिए 6 ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 ब्रांच है, 6 ब्रांच में जब आप जो है इस नोड में 6 ब्रांच है, तो जब इस नोड में मैं KCL इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से एक ही अननोन सॉल्व हो पाएगा। तो आप देखेंगे जब मैं KCL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो उस KCL इक्वेशन से उस नोड पे एक ही KCL इक्वेशन बनेगी, एक KCL इक्वेशन से एक ही अननोन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। तो आप देखेंगे किसी भी नोड पे अगर मेरे पास 6 ब्रांच है, 6 ब्रांच में से अगर आप जो है एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो आप उस नोड पे KCL इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब KCL इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 6 ब्रांच है तो एक ही ब्रांच का करंट निकलेगा, मतलब कम से कम 5 ब्रांच के करंट आपको मालूम होने चाहिए। जब आपको 5 ब्रांच के करंट मालूम होंगे तभी आप 6वीं ब्रांच के करंट को निकाल सकते हैं KCL इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी किसी नोड में मेरे पास 6 ब्रांच दिए, 6 ब्रांच में से अगर किसी एक ब्रांच में करंट आपको निकालना है तो कम से कम 5 ब्रांच में आपको क्या मालूम होना चाहिए, करंट मालूम होना चाहिए, तब 6वीं ब्रांच में करंट निकालने के लिए आप उस नोड में क्या अप्लाई कर सकते हैं, KCL। अगर मेरे पास एक नोड है जिसमें 5 ब्रांच है, 5 ब्रांच में से किसी भी एक ब्रांच में करंट आप निकालना चाहते हैं तो एक ब्रांच में करंट निकालने के लिए एक उस नोड में मैं KCL इक्वेशन अप्लाऊंगा, एक नोड में जब मैं KCL इक्वेशन बनाऊंगा तो एक ही इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से एक ही अननोन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। तो अगर मेरे किसी नोड में 5 ब्रांच है और किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हैं तो कम से कम 4 ब्रांच के करंट आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप 5वीं ब्रांच में करंट KCL इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी नोड पे मेरे पास किसी एक ब्रांच में करंट निकालना है तो उस नोड में अन्य ब्रांचों में करंट मालूम होगा, तभी मेरे पास एक अननोन से एक ही इक्वेशन क्या हो पाएगी, सॉल्व हो पाएगी। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक नोड है जिसमें 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में अगर एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हैं तो कम से कम 2 ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए, तभी उस नोड में जब आप KCL इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो KCL इक्वेशन से उस नोड में एक ही इक्वेशन आएगी और एक इक्वेशन से एक ही अननोन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि जनरली KCL इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, KCL इक्वेशन से आप ब्रांच के करंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते उस नोड पे जितनी भी अन्य ब्रांच हो, अन्य ब्रांच के करंट आपको मालूम हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी नोड में 10 ब्रांच है, किसी भी नोड में 10 ब्रांच है, 10 में से अगर एक ब्रांच में करंट निकालना है तो एक अननोन को निकालने की, बाकी के बाकी 9 ब्रांच में करंट आपको मालूम होना चाहिए। तो किसी नोड में अगर 10 ब्रांच है,
आप किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो आपके पास कम से कम आपके पास 9 ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए, तभी केसीएल की इक्वेशन से आप उस बचे हुए नोड में या फिर बची हुई ब्रांच में करंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केसीएल इक्वेशन थी, अब हम इसके एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ आई कैन बी टेक द एप्लीकेशन विल बी देयर। केसीएल की हेल्प से मैं किसी भी ब्रांच के करंट को कैसे निकालने वाले, तो करंट निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, केसीएल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं यहां पर दो क्वेश्चन आपको देख जो है बताने वाला हूं, जिसमें आप जो है करंट को केसीएल की हेल्प से क्या करने वाले हैं, करंट को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। नाउ एप्लीकेशन पार्ट में कि जो केसीएल लॉ आपने पढ़ा है उसको हम यूज कैसे करते हैं, तो लिखा है कैलकुलेट द करंट I1, I2 and I3 इन द गिवन सर्किट। आपके गिवन सर्किट में आपको I1, I2, I3 तीन करंट क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। दिस इज द सर्किट इज गिवन, ये आपको सर्किट दिया है, दिस इज द सर्किट इज गिवन, आपको एक सर्किट डायग्राम दिया और इस सर्किट डायग्राम में तीन करंट आपको कैलकुलेट करने हैं। नाउ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द करंट। Now you want to calculate the current. This is the circuit diagram. इस ब्रांच में 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में आपके पास 9 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज 9 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में आपके पास 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में आपके पास I2 करंट फ्लो कर रहा है और इस ब्रांच में आपके पास I3 करंट निकालना है। तो आपको I1, I2, I3 या फिर इन ब्रांच के करंट निकालने हैं। तो ये सर्किट दिया है, सर्किट में I1, I2, I3 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कभी भी करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, केसीएल इक्वेशन यूज करने वाले हो। केसीएल इक्वेशन कहां पर अप्लाई की जाती है, नोड में अप्लाई की जाती है। चलो तो मैं क्या करने वाला हूं, I1 करंट को निकालना। I1 क्या है बेटा, आप देखेंगे I1 करंट इस ब्रांच का करंट है, तो इस ब्रांच का करंट I1 करंट इसी करंट में, ब्रांच के करंट को निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, करंट को निकालने के लिए आप केसीएल इक्वेशन अप्लाई करें। केसीएल इक्वेशन कहां पर अप्लाई करते हैं, नोड में अप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे इस ब्रांच के करंट को निकालना है, इस ब्रांच के करंट को निकालने केसीएल, केसीएल के लिए आप देखेंगे इस ब्रांच का एक टर्मिनल तो इस नोड में कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल इस नोड में कनेक्ट है। तो I1 को निकालने के लिए या तो आप इस नोड में केसीएल इक्वेशन बनाएंगे या फिर इस नोड में केसीएल इक्वेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर मैं यहां पर केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा तो यहां पर केसीएल इक्वेशन से लगाने पे I1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि यहां पर केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने से आपका I1 निकलेगा नहीं। तो आप देखेंगे आपको इस ब्रांच का करंट निकालना था, करंट निकालने के लिए केसीएल इक्वेशन, केसीएल इक्वेशन कहां पर अप्लाई करते हैं, नोड पर अप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट निकालना, तो इस ब्रांच का एक टर्मिनल इस नोड में कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल इस नोड में कनेक्ट है, तो इस करंट को निकालने के लिए इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे या फिर इस नोड में केसीएल, चलो इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, तो इस नोड में कितनी ब्रांच कनेक्ट है बेटा, तीन ब्रांच, 1, 2, 3। अब देखेंगे इस नोड में तीन ब्रांच कनेक्ट है, जब तीन ब्रांच कनेक्ट है तो तीन में से अगर आप एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम कितनी ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए, दो ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए, तभी केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके, इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन से एक अननोन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर मैं इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो इस नोड में कितनी ब्रांच है, 1, 2, 3, तीन ब्रांच में से अगर आप एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम इन दो ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए, तभी मैं इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके इस ब्रांच के करंट को निकाल सकता हूं। तो आप देखेंगे
इस ब्रांच में करंट निकालना है तो कम से कम इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। क्या इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम है? क्या बिल्कुल नहीं मालूम। तो इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके आप आई वन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे जब मैं इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो इस नोड में तीन ब्रांच है, तीनों ब्रांच के करंट का मैं बीज गणितीय योग करूंगा तो शून्य के बराबर करूंगा। तो इस नोड में जब मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो एक इक्वेशन आएगी, लेकिन कितना नोन है? एक दो तीन अननोन, तीन अननोन से एक इक्वेशन से तीन अननोन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक इक्वेशन से तीन अननोन सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आई वन की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने से आई वन की वैल्यू नहीं निकलने वाली। अब आपको यहां पर आप देखेंगे तो इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने से आई वन की वैल्यू नहीं निकलने वाली। अब मैं इस नोड के बारे में बात करने वाला हूं, इस ब्रांच का एक टर्मिनल इस नोड से कनेक्ट है। तो आप देखेंगे इस नोड में भी कितनी ब्रांच है बेटा? एक दो तीन। इस नोड में भी तीन ब्रांच हैं, तो इस नोड में अगर तीन ब्रांच है, किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम दो ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। जब मुझे इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम होगा तभी मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके इस नोड में करंट निकाल सकता हूं, ठीक है। तो आप देखें क्या आपको इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम है? बिल्कुल। आप देखेंगे इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 9 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 9 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो आप देखेंगे इस नोड में तीन ब्रांच है, इस नोड में तीन ब्रांच है, तीन ब्रांच अगर कनेक्ट है और किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम दो ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। दो ब्रांच में करंट मालूम है, केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके मैं इस ब्रांच के करंट को निकाल सकता हूं। केसीएल इक्वेशन होती क्या? किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस नोड में आने वाली धारा कितनी है? 10 एम्पियर। जाने वाली धारा कितना है? आई वन और 9 एम्पियर। तो जब मैं इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो इस नोड में तीन ब्रांच है, तीन ब्रांच में से एक ब्रांच में करंट निकालना है तो दो ब्रांच में करंट मालूम होना। इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके आई वन की वैल्यू निकालूंगा। तो इस नोड में जब मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूं तो इस नोड में आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धारा कितनी है बेटा? 10। और जाने वाली धारा कितनी है? आई वन और 9। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं I1 प्लस 9 के जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हो। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा कितनी? I1 और 9 एम्पियर। तो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो यहां से बेटा I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा बेटा? 1 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। आप देख भी रहे होंगे केसीएल इक्वेशन सेटिस्फाई करे, आने वाली धारा कितनी है? 10 एम्पियर। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा कितनी है? 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब मैं किस करंट को निकालना चाहता हूं? I2 करंट को निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे इस ब्रांच के करंट को निकालना है। अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो आपको केसीएल इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, और केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने के लिए आपको नोड, केसीएल इक्वेशन कहां पर अप्लाई करते हैं? नोड पे अप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे I2 करंट क्या है? I2 करंट इस ब्रांच का करंट है, और इस ब्रांच के करंट को निकालने केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इस करंट को निकालने के लिए या फिर इस ब्रांच के करंट को निकालने के लिए आपको केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे इस केसीएल इक्वेशन के लिए आपको नोड सर्च करना पड़ेगा। तो इस ब्रांच के करंट को निकालना, इस ब्रांच के करंट को निकालना है। अगर आप इस ब्रांच के करंट को निकालना चाहते हो तो इस ब्रांच का एक टर्मिनल इस नोड से कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल इस नोड से कनेक्ट है। तो I2 करंट को निकालने के लिए या तो आप इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे या फिर इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। चलो पहले मैं इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने वाला हूं। तो आप देखेंगे जब मैं इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो इस नोड में कितनी ब्रांच है? एक दो तीन ब्रांच कनेक्ट है। अगर इस नोड में तीन ब्रांच कनेक्ट है, किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम दोनों ब्रांच में, इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। जब मुझे इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम होगा तो मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके इस ब्रांच में करंट निकाल पाऊंगा। तो आप देखेंगे कि इस ब्रांच में तो आपको करंट मालूम है लेकिन इस ब्रांच में करंट नहीं मालूम। तो आप देखेंगे केसीएल इक्वेशन जब मैं अप्लाई करूंगा तो इस नोड में कितनी ब्रांच है? एक दो तीन ब्रांच है। तीन ब्रांच में से आपके पास दो ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे आपको दो ब्रांच में करंट नहीं मालूम। तो इस ब्रांच में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके इस ब्रांच में करंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब मैं यहां पर केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो एक इक्वेशन और कितना अननोन आ जाएगा? दो अननोन। एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके आप I2 करंट को नहीं निकाल सकते। लेकिन आप देखेंगे इस ब्रांच का एक सिरा इस नोड से भी कनेक्ट है। तो इस नोड में कितनी ब्रांच बेटा? इस नोड में तीन ब्रांच है,
तीन ब्रांच है, आप देखेंगे इस नोट में तीन ब्रांच है, किसी एक ब्रांच में अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो कम से कम दो ब्रांच में करंट आपको मालूम होना चाहिए। अगर मुझे इन दो ब्रांच में करंट मालूम चल जाएगा तो KCL इक्वेशन अप्लाई करके इस ब्रांच के करंट को निकाल लूंगा। तो आप देखेंगे इस ब्रांच में तो करंट आपको मालूम है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करा बेटा, 10 एम्पियर का करंट फ्लो करा। इस ब्रांच में आप देखेंगे इस ब्रांच में कितना करंट है, यहां से आप देखेंगे 12 एम्पियर का करंट फ्लो करा, यहां से आएगा 12 एम्पियर, यहां से आएगा बेटा 12 एम्पियर और यहां से आएगा आपके पास 12 एम्पियर। तो आप देखेंगे इस नोड में दो, इस नोड में तीन ब्रांच है, इस नोड में तीन ब्रांच है, तीन में से दो ब्रांच में करंट मालूम है तो KCL इक्वेशन अप्लाई करके आप इस I2 करंट को निकाल सकते हो। तो इस नोड में जब मैं KCL इक्वेशन अप्लाई करूं, KCL इक्वेशन होती क्या बेटा, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। आने वाली धारा कितनी है 12 एम्पियर और जाने वाली धारा कितनी है I2 और 10 एम्पियर। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा कितनी है 10 प्लस I2, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो इस इक्वेशन से आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा बेटा 2 एम्पियर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ I2 विल बी देयर। तो नाउ I2 की वैल्यू भी आ गई बेटा 2 एम्पियर। अब हम बात करते हैं कि मुझे इस I3 करंट को निकालना, I3 क्या इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच के करंट को निकालना। तो इस ब्रांच, अगर आप ब्रांच के करंट को निकाल, करंट को निकालने के लिए KCL इक्वेशन की आप देखेंगे, इस ब्रांच के करंट को निकालना चाहते हैं तो KCL इक्वेशन अप्लाई करने, करंट को निकालने के लिए KCL इक्वेशन, KCL कहां पर लगता है, नोड पे लगता है। तो आप देखेंगे इस ब्रांच का एक सिरा तो इस नोड से कनेक्ट है और दूसरा सिरा इस नोड में कनेक्ट है। तो इस नोड में आप KCL इक्वेशन अप्लाई करो या फिर इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करो, तो आप क्या कर सकते हैं, I3 निकालने के लिए या तो मैं इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करूंगा या फिर इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करूंगा। तो मुझे चेक करना है कि किस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करने से I3 की वैल्यू निकल आएगी। चलो पहले मैं इस नोड के बारे में बात करता हूं, इस ब्रांच का करंट निकाला, इस ब्रांच के करंट का एक टर्मिनल इस नोड से कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल इस नोड से कनेक्ट है। तो या तो यहां पर KCL इक्वेशन अप्लाई करके मैं अपने I3 करंट को निकालूंगा या फिर इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करके I3 की वैल्यू निकालूंगा। चलो इस नोड में देखता हूं, तो इस नोड में कितनी ब्रांच है बेटा, 1 2 3, इस नोड में तीन ब्रांच है, तीन ब्रांच में से अगर एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम दो ब्रांच में करंट मालूम होना है। क्या इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम है, बिल्कुल इन दोनों ब्रांच में आपको करंट मालूम है और KCL इक्वेशन अप्लाई करके आप इस तीसरी ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। तो I3 की वैल्यू निकालने के लिए आप इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई कर देंगे तो I3 की वैल्यू आ जाएगी। चलो यहां पर चेक करते हैं, अगर इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो क्या I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे इस नोड में भी तीन ब्रांच है, 1 2 3, इस नोड में तीन ब्रांच है, तीन, इस नोड में कितनी ब्रांच है, तीन ब्रांच है, और अगर आप इस नोड की किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम दो ब्रांच में आपको करंट मालूम होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम चल जाएगा तो KCL इक्वेशन अप्लाई करके आप तीसरी ब्रांच में करंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो इस ब्रांच में कितना करंट है, 9 एम्पियर, इस ब्रांच में कितना करंट है बेटा, 12 एम्पियर। तो आप देखेंगे इस नोड पे तीन ब्रांच है, तीन में से दो ब्रांच में करंट मालूम है तो KCL इक्वेशन अप्लाई करके आप इस तीसरी ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। तो आप देखेंगे I3 की वैल्यू निकालने के लिए चाहे आप यहां पर KCL इक्वेशन लगाओ चाहे यहां पर KCL इक्वेशन लगाओ, बात क्या है, सेम है। कहीं से भी आप जो है I3 की वैल्यू निकालो, आपकी I3 की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली। चलो मैं इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई कर देता हूं, इस नोड में जब आप KCL इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो इस नोड में आप देखेंगे कितनी ब्रांच है बेटा, 1 2 3 ब्रांच है, तीन में से दो ब्रांच में करंट मालूम है और तीसरी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। तो KCL इक्वेशन क्या होती है बेटा, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। इस नोड में कौन कौन सी धारा आने वाली है, I1 और I2, आने वाली धारा और जाने वाली धारा कितनी है, I3। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धारा है I1 और I2, आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो I3 की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, I3 की वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू है 1 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 2 एम्पियर। तो I3 कितना आ जाएगा बेटा, 2 एम्पियर। तो अगर इस नोड में I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 एम्पियर। तो इस नोड में जब मैं KCL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो I3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एम्पियर। चाहे यहां पर KCL इक्वेशन अप्लाई करो चाहे यहां पर KCL इक्वेशन अप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग हमेशा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। आने वाली धारा कितनी है, I3 और 9, और जाने वाली धारा कितनी है, दैट इज 12 एम्पियर। तो किसी भी नोड पे आने वाली धारा है I3 और 9, आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है
जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। जाने वाली धारा केवल एक है, 12 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 12 - 9। तो I3 बेटा कितना आ जाएगा बेटा, 3 एम्पियर। तो चाहे यहाँ पर KCL इक्वेशन अप्लाई करो, चाहे वहाँ पर KCL, आंसर कितना आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। तो KCL इक्वेशन की हेल्प से आप जो है आप देखेंगे कि करंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको करंट निकालना होगा तो आपके माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए KCL। और KCL के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोड में आपके किसी भी नोड पे KCL इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और अगर उस नोड में आप जो है चार ब्रांच है, चार ब्रांच में अगर किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम तीनों ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए, तभी आप चौथी ब्रांच में आप KCL इक्वेशन अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, उससे भी आप KCL इक्वेशन किसी भी नोड पे कैसे बना सकते हैं या फिर KCL की हेल्प से करंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास होने वाला है, नेक्स्ट करंट अपने पास क्वेश्चन होने वाला है, कैलकुलेट द करंट IX, IY and IZ। ठीक है, आपको IX, IY और IZ कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। नाउ इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, IX। इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है IX, इस ब्रांच में IY और इस ब्रांच में आपका IZ। नाउ यहां पर आपका 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। यहां पर आपके पास 2 एम्पियर, यहां पर आपके पास 3 एम्पियर और यहां पर आपके पास 7 एम्पियर। यह आपको करंट दिया और इन तीन ब्रांच में आपको करंट निकालना है। तो आप देखेंगे पहले मुझे IX की वैल्यू निकालनी है, फिर IY की वैल्यू निकालनी है, फिर IZ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो IX की वैल्यू निकालते हैं। आप देखेंगे IX इस ब्रांच का करंट है, करंट को निकालने के लिए KCL इक्वेशन। तो इस ब्रांच के करंट को निकालने के लिए KCL इक्वेशन अप्लाई करें। KCL इक्वेशन के लिए आप KCL इक्वेशन कहां पर बनाते हैं, नोड पे बनाते हो। तो आप देखेंगे इस ब्रांच का एक टर्मिनल तो इस नोड से कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल इस नोड से कनेक्ट है। तो IX को निकालने के लिए या तो मैं इस नोड में KCL अप्लाई करूंगा या फिर इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करूंगा। चलो हम बात करते हैं, पहले इस नोड पे KCL इक्वेशन अप्लाई करते हैं। क्या इस इक्वेशन में, इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करने से आपका IX की वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? तो आप देखेंगे इस नोड में कितनी ब्रांच कनेक्ट है बेटा, 4 ब्रांच, 1, 2, 3, 4 ब्रांच। 4 में से अगर आप एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम 3 ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। जब इन तीनों ब्रांच में करंट मालूम होगा तभी मैं इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करके इस ब्रांच के करंट को निकाल सकता हूँ। जब मैं इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से आपका एक ही अननोन सॉल्व हो पाएगा। तो आप देखेंगे इस नोड में 4 ब्रांच हैं, 1, 2, 3, 4 ब्रांच। 4 में से अगर किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हैं तो कम से कम 3 ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। आप देखेंगे इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम है लेकिन इस ब्रांच में करंट नहीं मालूम। तो इस नोड में जब मैं KCL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं हो पाते। इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई करके IX की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो इस नोड से IX नहीं निकल पाएगा। चलो इस नोड के बारे में बात करते हैं, इस ब्रांच का एक टर्मिनल इस नोड से भी कनेक्ट है। तो अगर इस नोड में आप KCL इक्वेशन अप्लाई करते हो, पहले आप देखेंगे इस नोड में कितनी ब्रांच बेटा, 1, 2, 3 ब्रांच है। इस नोड में 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में से किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम 2 ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। इन दोनों ब्रांच में करंट आपको मालूम है तो आप जो है KCL इक्वेशन अप्लाई करके इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। तो अगर मैं इस नोड में KCL इक्वेशन अप्लाई कर दूं तो इस नोड में 3 ब्रांच में से एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम 2 ब्रांच में करंट मालूम अप्लाई करने वाले किसी भी नोड
आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं की योग बराबर, तो आने वाली धारा कितनी है 4 एम्पियर और 2 एम्पियर, जाने वाली धारा कितनी है ix, तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो ix की बेटा वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 एम्पियर, तो ix आपका आ गया बेटा 6 एम्पियर, तो ix की वैल्यू बेटा आ गई 6 एम्पियर। अब आपको कौन सा करंट निकालना है, आईवाई करंट निकालना है। आईवाई है क्या बेटा, इस ब्रांच का करंट है आईवाई। अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, केसीएल के लिए नोड चाहिए, तो आप देखेंगे इस ब्रांच में करंट निकालना है तो इस ब्रांच का एक सीधा इस नोड से कनेक्ट है और दूसरा सीधा इस नोड में कनेक्ट है। तो अगर आप आईवाई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो या तो इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे या फिर इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। चलो इस नोड में मैं बात करता हूं, तो इस नोड में कितनी ब्रांच है बेटा 1 2 3 4, इस नोड में आपके पास 4 ब्रांच हैं। 4 ब्रांच में अगर आप एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम इन 3 ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। जब आपको इन 3 ब्रांच में करंट मालूम होगा तब केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके आप इस ब्रांच में करंट निकाल पाएंगे। लेकिन आप देखेंगे इन दोनों ब्रांच में तो करंट आपको मालूम है लेकिन इस ब्रांच में करंट नहीं मालूम। तो इस नोड में जब मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो एक इक्वेशन आएगी लेकिन कितना अननोन होगा, 2 अननोन, एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस नोड में जब मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो आई वाई करंट कैलकुलेट नहीं होने वाला। चलो इस नोड में केसीएल करंट निकालने के लिए केसीएल, इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करता हूं। इस नोड में भी 4 ब्रांच है 1 2 3 4, अगर आप इस नोड में इस चौथी ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम 3 ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। जब मुझे इन तीनों ब्रांच में करंट मालूम होगा तभी मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके इस चौथी ब्रांच में करंट निकाल सकता हूं। तो आप देखेंगे क्या इन 3 ब्रांच में करंट मालूम है, बिल्कुल, इसमें भी मालूम है, इसमें भी मालूम है, इसमें भी मालूम है, तो मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके आई वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इस नोड में जब मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो केसीएल इक्वेशन जब मैं अप्लाई करूँ तो इस नोड में 4 ब्रांच हैं और आप देखेंगे अगर आप इस चौथी ब्रांच में करंट निकालना चाहते हैं तो कम से कम इन 3 ब्रांच में करंट मालूम होने, इन 3 ब्रांच में करंट मालूम है तो केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके आपके चौथी ब्रांच में करंट आ जाएगा। तो क्या होता है बेटा केसीएल, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। आने वाली धारा कौन सी है, यहां से ix आ रहा है, यहां से 7 एम्पियर आने वाला है। जाने वाली धारा कितनी है, iy और 4 एम्पियर। तो आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बराबर 4 आईवाई, यहां से आपका आईवाई क्या हो जाएगा बेटा कैलकुलेट हो जाएगा 13 माइनस 4, तो आईवाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9 एम्पियर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आईवाई, आईवाई की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी आ गई बेटा 9 एम्पियर। चलो अब आपको कौन सा करंट निकालना है, दैट इज आईजेड निकालना है। आईजेड क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच अगर आप करंट निकालना चाहते हो तो केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं। आप देखेंगे केसीएल कहां पर अप्लाई करते हैं बेटा, नोड पे अप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे इस ब्रांच के करंट को निकालें, इस ब्रांच का एक सीधा इस नोड से कनेक्ट है, दूसरा सीधा इस नोड से कनेक्ट है। तो आईजेड को निकालने के लिए या तो मैं यहां पर केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा या फिर यहां पर केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा। अगर मैं इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई, अगर मैं इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो इस नोड में कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4 ब्रांच है। अगर आप किसी एक ब्रांच में, इस नोड की किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हैं तो कम से कम आपको इन 3 ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। अगर आप इस नोड की इस चौथी ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो कम से कम इन 3 ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। इस ब्रांच में करंट मालूम है, बिल्कुल, इस ब्रांच में करंट आपको मालूम है, बिल्कुल, और इस ब्रांच में भी करंट आपको मालूम है। तो आप देखेंगे आपको इन 3 ब्रांच में करंट मालूम है तो केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके इस चौथी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। तो आई जेड की वैल्यू निकालने के लिए मैं अगर इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूं, केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूं तो एक इक्वेशन एक अननोन सॉल्व हो जाएगा। तो इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके आई जेड की वैल्यू आ जाएगी। चलो अच्छा, अगर इस नोड में आप आई जेड क्या है, आई जेड इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच के करंट का एक टर्मिनल इस नोड से भी कनेक्ट है, तो अगर इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूं तो क्या आई जेड आएगा, देखते हैं। चलो आप देखेंगे इस नोड में 3 ब्रांच है, 1
दो तीन ब्रांच हैं। अगर आप जो है इस नोड में किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम होना चाहिए। जब इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम होगा तभी आप जो है केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके इस ब्रांच के करंट को निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अननोन एक इक्वेशन आराम से उस अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे इस ब्रांच में भी करंट मालूम है, इस ब्रांच में भी करंट मालूम है, तो आप देखेंगे इस नोड में तीन ब्रांच है, तीन ब्रांच में से दो ब्रांच में करंट मालूम है, तो केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके आप इस तीसरी ब्रांच के करंट को निकाल सकते हैं। तो आईजेड निकालने के लिए या तो मैं यहां पर केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूं या फिर इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूं, बात क्या है, सेम है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो दोनों को मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं, लेकिन एग्जामिनेशन में आप किसी भी एक नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो यहां पर अप्लाई करते हैं। यहां पर जब मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूं तो केसीएल क्या है, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धारा कितनी है, दैट इज यहां से आई वाई आ रहा है, यहां से तीन आ रहा है, जाने वाली धारा कितनी है, यहां से सात एम्पियर और यहां पर आई जेड। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, आने वाली धारा कितनी है, नाइन एम्पियर और तीन एम्पियर, तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा कितनी है, आई जेड और सात, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो आई जेड कितना हो जाएगा बेटा, 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा बेटा, 5 एम्पियर। तो अगर इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आईजेड की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। यहां भी जब मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो आईजेड की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। आने वाली धारा कितनी है बेटा, आई जेड, जाने वाली धारा कितनी है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, तो आईजेड कितना आ जाएगा बेटा, 5 एम्पियर। तो चाहे आप ऊपर वाले नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करो चाहे नीचे वाले में, आंसर क्या आएगा, सेम। तो इस तरह से आप देखेंगे, मैंने आपको किरचॉफ करंट लॉ बताया और किरचॉफ करंट लॉ का एप्लीकेशन, किरचॉफ करंट लॉ की हेल्प से आप कैसे केसीएल इक्वेशन बनाते हैं नोड में, और नोड में केसीएल इक्वेशन बना के आप जो है किसी भी ब्रांच के करंट को निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब किसी भी नोड पे केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे उसमें अगर आपके पास पांच ब्रांच हैं और आप किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम चार ब्रांच के करंट आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब मैं उस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक अननोन होगा, एक अननोन से एक ही इक्वेशन कैलकुलेट हो सकती है, या फिर एक इक्वेशन से एक ही अननोन क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो आप देखेंगे अगर पांच ब्रांच है तो एक ब्रांच के करंट को निकालने के लिए कम से कम चार ब्रांच के करंट मालूम होनी चाहिए, केसीएल इक्वेशन से आप उस पांचवी ब्रांच के करंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट आप हम लोग पढ़ सकते हैं नोडल एनालिसिस, क्योंकि मुझे ओम्स लॉ भी आता है, केसीएल इक्वेशन भी आती है, फिर केसीएल लॉ भी आता है। अगर आपको दोनों लॉ आते हैं, अब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकालने के लिए नोडल एनालिसिस मेथड यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा नोडल एनालिसिस, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।